भी हमारे एक कमेटी के उपाध्यक्ष है, तो अभी अभी बात करेंगे। मैं एक सवाल पे जवाब दूंगा। 2007 में हमने अल्पसंख्यक संचालय की निर्मित के लिए फर्स्ट मैंने अप्लीकेशन वेलकम के नाम से दिया था। उसके लिए मैंने राज्यपाल साहब, मुख्यमंत्री साहब, अल्पसंख्यक के जितने भी रिलेटेड है लोग उनको दिया था, और अपने जितने माइनॉरिटी के जो महाराष्ट्र लेवल के तुम्हारे अमीन पटेल साहब है, जितने भी मेंबर है सर, उसमें जिशान सिद्दीकी है, जितने भी है, उसके मैंने ईमेल आईडी पे पूरी 75 पेज की एक पर्सनल फाइल बनाया था। उसमें आपने जो बोले मौलाना आजाद का जो फंड का मसला है, वो उसमें मौलाना आजाद में और 4-5 स्कीमें वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। टोटल 12 स्कीम चलते हैं मौलाना आजाद महामंडल से, तो वो भी मैंने बताया। तो उन्होंने बोले कि भाई हमें इस पर काम करेंगे। तो उसमें जो तो कृषि के लिए भी फंड है, मच्छीमारी के लिए फंड है, और लोन के लिए 4-5 अलग अलग किस्म के फंड है, ये हमको नहीं मालूम है। और मैंने जो है तो माइनॉरिटी में नवाब मलिक साहब को एक 75 पेज की फाइल भेजा था, वहाँ से मेरे को रिप्लाई भी आया था, और वो 75 पेज की फाइल मैंने उनको कलर प्रिंट जाके दी कि भाई इस तरह से आप इसकी फाइल बना के माइनॉरिटी जो भी हमारे तबके के लोग हैं उन तक पहुँचा, ताकि ये जो स्कीम है यहाँ तक उनको पहुँचे। ये हमने काम किए इसके बारे में। निवेदन स्वीकारने के लिए और कुछ इश्यूज थे यूनिवर्सिटी के, तो उनका स्टेटमेंट आपने डाले बहुत सारे पेपरों में मैंने पढ़ा कि मैं जिस खाते का मंत्री हूँ उससे रिलेटेड मेरे को एक भी निवेदन प्राप्त नहीं हुआ। 150 निवेदन मेरे पास आए, मगर यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से सही जो काम का निवेदन होना चाहिए था मेरे को एक भी नहीं मिला। वैसे इस सिलसिले में नवाब मलिक साहब से हम सबकी बात हुई हुई है, अलग अलग तरीके से, साथ में नहीं गए इनों, अलग मिले, मैं हमेशा मिलते रहता। तो उनको एक प्रपोजल बना के चाहिए कि भाई क्या होना चाहिए, उसका फॉलोअप लेना चाहिए। देखो उनके पीछे भी चार हर मिनिस्टर, कोई भी रहने दो या वो विरोधी पक्ष में रहने दो, सबके पास में बहुत सारे इश्यूज़ आते रहते, मगर उस इशू को हमारी भी कमतरता है, कहीं तो भी हम भी कम पड़ते कि उसको उसका फॉलोअप नहीं लेते। तो अब इसीलिए ये समिति गठित की है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, कौन मंत्रालय में जाके इसका फॉलोअप लेगा, कौन नीचे से इसको ऊपर तक लेके जाएगा, कौन मिनिस्टर से बात करेगा, ये यहाँ से आगे काम चलेगा, इसीलिए ये स्थापना की है। बढ़ाएंगे ना, उसकी भी ना मांगनी करेंगे ना मेहनत। क्या बोल बिल्कुल जरूर कामयाबी मिलेगी। देखिए हमारी मार्टी कुटी समिति बनाने का मकसद ही यही है कि आपने हमेशा से देखा होगा कि स्कीम्स तो बहुत आते हैं और शुरुआत तो बहुत स्कीम्स की होती है, बहुत सारे चीज़ों के माइनॉरिटी रहने दो या कोई भी समाज के लिए रहने दो, मगर उसका फॉलोअप लेने में लोग और समाज पीछे रह जाता है। इसी फॉलोअप को एक दिशा देने के लिए आज ये कृति समिति हमारी स्थापन हुई। और सत्ताधारी पक्ष रहने दो या विपक्ष रहने दो, कोई भी पक्ष रहने दो, जब तक हम हमारी बात उनके पास रेट के रखेंगे नहीं और उसका फॉलोअप लेंगे नहीं, उस पर अमल बजावनी नहीं होगी। इसीलिए इस पर अमल बजावनी होने के लिए आपने कई बार देखा होगा कि मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल का फंड कई बार वापस गया है, क्यों गया है, लोगों ने उसका फायदा लिया नहीं, उसकी मालूमत लोगों तक पहुँची नहीं, इसीलिए वो फंड वापस गया है। ऐसी कोई फंड वापस ना जाए और जो चीज़ें हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो जल्द से जल्द उसमें अमल बजावनी हो, इसके लिए कृति समिति किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह इसमें जरूर हमको आपके सहयोग से कामयाबी मिलेगी। जैसा कि अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारा ये है कि अब हम हमारे पूरे मुद्दे एक निवेदन हम अच्छे से तैयार करेंगे और वो निवेदन सरकार में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, विपक्ष में है और मीडिया, ये सबको वो निवेदन की कॉपी देंगे, उस पर अमल बजावनी करने के लिए आगे हम उसका फॉलोअप लेंगे और चाहे उसके लिए अगर आंदोलन की जरूरत पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि कहीं भाई आप सरकार में हैं जी, तीन पक्ष की सरकार यहाँ पे राज्य सरकार है, तो आप इस ताल्लुक से कोई मंत्री से मिलेंगे क्या, बात करेंगे इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री और सम्मान्य मंत्री नवाब मलिक साहब, जो जो इससे रिलेटेड है, मुख्यमंत्री से लेके जो जो नीचे तक इससे रिलेटेड है, उन सबसे हम टाइम लेके, खास करके हमारी जो मार्टी कुटी समिति है उसके लिए एक स्पेशल 15-10 मिनट चाहे उसके लिए हमें मंत्रालय मुंबई क्यों ना जाना पड़े, जाके वहाँ पे टाइम लेके इस पे अमल बजावनी करने के लिए काम चालू करेंगे। कितने मेंबर हैं आपके? अभी तो इंशाल्लाह एक 20-25 मेंबर है और ये आगे बढ़ते रहेंगे, हर जब भी आप अगली प्रेस में रहेंगे इसलिए हमारी टीम बढ़ते रहेगी। इसमें एक हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव वगैरह टीम, मगर
इसमें कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, हमारी समिति है, चाहे वो 2000 लोग की क्यों ना बने, सबको उसमें एक एक समान एक जैसा इसमें सबको अधिकार रहेगा। Right now and press the bell icon.